Hey guys, assalamualaikum, sashrikaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूं रानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. इस वीडियो का टाइटल है इस्लाम के विरुद्ध में फिल्म बनाने वाले ने कैसे इस्लाम कबूल किया. तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. इसके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. देखते हैं कैसे इनकी लाइफ में इस्लाम आया. ठीक है, एक तो एक तरफ इंडिया में भी बहुत ज्यादा इस्लाम के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं मूवी. ठीक है, वो और ऐसे ही सब चीजों के बाद एक फॉरेन में है ये शायद इस्लाम कबूल किए हैं. तो देखते हैं इनकी स्टोरी कैसी है. बहुत अमेजिंग स्टोरी होने वाली है. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टा स्टोरी में गाइस, ताकि हम कपल को सपोर्ट मिले. और सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर जरूर करना. तो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों. दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे. इस्लाम विरोधी राजनेता ने अपना लिया इस्लाम. क्या ये संभव है कि जीवन भर आप जिस विचारधारा का विरोध करते आए हो एक मोड़ पर आकर आप उसके अनुयायी बन जाएं? कुछ ऐसा ही हुआ है नीदरलैंड में. लंबे समय तक इस्लाम की आलोचना करने वाले डच राजनेता अर्नोल्ड वान डून ने अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. अर्नोल्ड वान डून नीदरलैंड की गोर दक्षिणपंथी पार्टी पीवीवी यानी फ्रीडम पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं. ये वो पार्टी है जो अपने इस्लाम विरोधी सोच और इसके कुख्यात नेता गिल्टी वाइल्डर्स के लिए जानी जाती रही है. मगर वो 5 साल पहले की बात थी. 2013 के मार्च में अर्नोल्ड डून ने इस्लाम कबूल करने की घोषणा की. नीदरलैंड के सांसद गिल्टी वाइल्डर्स ने 2008 में एक इस्लाम विरोधी फिल्म फितना बनाई थी. इसके विरोध में पूरे विश्व में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी. मैं पश्चिमी यूरोप और नीदरलैंड के और लोगों की तरह ही इस्लाम विरोधी सोच रखता था. जैसे कि मैं ये सोचता था कि इस्लाम बेहद असहिष्णु है, महिलाओं के साथ जाति करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है. पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह प्रचलित हैं. अर्नोल्ड डून जब पीवीवी में शामिल हुए तब पीवीवी एकदम नई पार्टी थी, मुख्य धारा से अलग थलग थी. इसे खड़ा करना एक चुनौती थी. इस दल की अपार संभावनाओं को देखते हुए अर्नोल्ड ने इसमें शामिल होने का फैसला लिया. पहले इस्लाम विरोधी थे अर्नोल्ड. पार्टी के मुसलमानों से जुड़े विवादास्पद विचारों के बारे में जाने जाते थे, तब वो भी इस्लाम विरोधी थे. वो कहते हैं, उस समय पश्चिमी यूरोप और नीदरलैंड के बहुत सारे लोगों की तरह ही मेरी सोच भी इस्लाम विरोधी थी. जैसे कि मैं ये सोचता था कि इस्लाम बेहद असहिष्णु है, महिलाओं के साथ जाति करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है. पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह प्रचलित हैं. अर्नोल्ड वान ने लंबे समय तक इस्लाम का विरोध करने के बाद अब इस्लाम धर्म कबूल लिया है. साल 2018 में जो इस्लाम विरोधी फिल्म फितना बनी थी तब अर्नोल्ड ने उसके प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. इस फिल्म से मुसलमानों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची थी. वो बताते हैं, फितना मूवी पीवीवी ने बनाई थी. मैं तब पीवीवी का सदस्य था मगर मैं फितना के निर्माण में कहीं से भी शामिल नहीं था. हाँ, इसके वितरण और प्रमोशन का हिस्सा जरूर था. अर्नोल्ड को कहीं से भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि ये फिल्म लोगों में किसी तरह की नाराजगी, आक्रोश या तकलीफ पैदा करने वाली है. वो आगे कहते हैं, अब महसूस होता है कि अनुभव और जानकारी की कमी के कारण मेरे विचार ऐसे थे. आज इसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ. अर्नोल्ड ने कहा, जब फिल्म फितना बाजार में आई तो इसके खिलाफ बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई. आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं इस फिल्म की मार्केटिंग में शामिल था. नीदरलैंड के सांसद गिल्टी वाइल्डर्स ने 2008 में इस्लाम की आलोचना करने वाली एक फिल्म बनाई थी. इस्लाम के बारे में अर्नोल्ड के विचार आखिर कैसे बदलने शुरू हुए, वो बताते हैं. ये सब बेहद आहिस्ता आहिस्ता हुआ. पीवीवी यानी फ्रीडम पार्टी में रहते हुए आखिरी कुछ महीनों में मेरे भीतर कुछ शंकाएं उभरने लगी थी. पीवीवी के विचार इस्लाम के बारे में काफी कट्टर थे. जो भी बातें वो कहते थे वो कुरान या किसी किताब से ली गई होती थी. इसके बाद 2 साल पहले अर्नोल्ड ने पार्टी में अपनी इन आशंकाओं पर सबसे बात भी करनी चाहिए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. तब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया. यही नहीं, मुसलमानों की परंपरा और संस्कृति के बारे में भी जानकारियां जुटाने लगे. अर्नोल्ड वान डून इस्लाम विरोध से इस्लाम कबूल करने तक के सफर के बारे में कहते हैं, मैं अपने एक सहयोगी से इस्लाम और कुरान के बारे में हमेशा पूछा करता था. वो बहुत कुछ जानते थे मगर सब कुछ नहीं. इसीलिए उन्होंने मुझे मस्जिद जाकर इमाम से बात करने की सलाह दी. उन्होंने बताया, पीवीवी पार्टी के पृष्ठभूमि से होने के कारण मैं वहां जाने से डर रहा था, फिर भी गया. हम वहां आधे घंटे के लिए गए थे मगर 4-5 घंटे बात करते रहे. अर्नोल्ड ने इस्लाम के बारे में अपने जहन में जो तस्वीर खींच रखी थी
मस्जिद जाने और वहाँ इमाम से बात करने के बाद उन्हें जो पता चला वो उस तस्वीर से अलहदा था। वो जब इमाम से मिले तो उनके दोस्ताने रवैये से बेहद आश्चर्यचकित रह गए। उनका व्यवहार खुला था, ये उनके लिए बेहद अहम पड़ाव साबित हुआ। इस मुलाकात ने उन्हें इस्लाम को और जानने के लिए प्रोत्साहित किया। वॉन डून के मस्जिद जाने और इस्लाम के बारे में जानने की बात फ्रीडम पार्टी के उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आई। वो कहते थे कि वो वही सोचे और जाने जो पार्टी सोचती और बताती है। फ्रीडम पार्टी के नेता गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड में बुरके पर रोक लगाने की वकालत करते आए हैं, मगर इस्लाम के बारे में जानना एक बात है और इस्लाम धर्म कबूल कर लेना दूसरी बात। पहले पहले अनॉर्ड के दिमाग में इस्लाम धर्म कबूल करने की बात नहीं थी, उनका बस एक ही उद्देश्य था, इस्लाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि जिन पूर्वाग्रहों के बारे में लोग बात करते हैं वो सही है या यूं ही उड़ाई हुई। इन सब में उन्हें साल डेढ़ साल लग गए। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस्लाम की जड़ें दोस्ताना और सूझबूझ से भरी हुई हैं। इस्लाम के बारे में खूब पढ़ने, बातें करने और जानकारियां मिलने के बाद अंततः उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। अनॉट के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें बेहद मुश्किलों से गुजरना पड़ा। वो कहते हैं, मुझ पर फैसला बदलने के लिए काफी दबाव डाले गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरे देश नीदरलैंड में लोगों के विचार और सूचनाएं कितनी गलत हैं। अनॉट जब इस्लाम को दोस्ताना और सूझबूझ से भरे संबंधों वाला मजहब मानते हैं, परिवार वाले और दोस्त मेरे फैसले से अचंभित रह गए। मेरे इस सफर के बारे में केवल माँ और मंगेतर को पता था, दूसरों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अनॉट के मुसलमान बन जाने से झटका लगा। कुछ लोगों को ये पब्लिसिटी स्टंट लगा तो कुछ को मजाक। अनॉट कहते हैं कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट होता तो 2-3 महीने में खत्म हो गया होता। वो कहते हैं, मैं बेहद धनी और भौतिकवादी सोच वाले परिवार से हूँ, मुझे हमेशा अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था। मुस्लिम युवक के रूप में अब मैं खुद को एक संपूर्ण इंसान महसूस करने लगा हूँ, वो खालीपन भर गया है। दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा? ये था वीडियो, बहुत एक अमेजिंग स्टोरी था रियली। वो जो फितना वाला मूवी है ना, उसके बारे में हम भी जानते हैं, वो बहुत ज्यादा उस पे वो हुआ था कंट्रोवर्सी। और ये चीज करना कि वो खुद एक वो पार्टी पे थे पहले तो, जो कि मुस्लिम विरोधी पार्टी थी, और उसके बाद मुस्लिम जो विरोधी मूवी आ रही थी उस पे सपोर्ट करना, उसके बाद फिर इस्लाम कबूल करना। तो लोग क्या है आजकल, ऐसे ही हो रहे हैं क्या है, देखो आजकल की दुनिया ये है कि वो सोचती है कि क्या चीज सही है, ठीक है, क्या चीज गलत। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे इंसान है जो लोग है जो सोचते हैं कि अरे यार ये एक रिलीजन के बारे में इतना वो हो रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है, उसे गिराया जा रहा है, तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो ऐसा किया जा रहा है। जिसके पास दिमाग होगा वो जरूर इस चीजों को सोचेगा और ये फिर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा उस चीजों को। ये चीज एक उनके टर्निंग पॉइंट होती है उनकी लाइफ की, कि वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इस्लाम के बारे में जो इतना टारगेट किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि आखिर इस्लाम है क्या, और वो लोग रिवर्ट हो जाते हैं, रिसर्च करने लग जाते हैं, फिर कुरान पढ़ने लग जाते हैं, फिर हमारे नबी के बारे में जितने भी मैसेंजर है सभी के बारे में जानने के लिए लग जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि यार इस्लाम जो बताया जाता है वो नहीं है। इस्लाम में जितने मुस्लिम होते हैं वो आतंकवादी बनने के लिए नहीं बोलते हैं, वो जो आतंकवादी बनते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो अपना पर्सनल उन लोगों का थॉट रहता है, उन्हें ब्रेन वॉश करके आगे भेजा जाता है, लेकिन जो चीजें लिखी है वो खुद पढ़ना चाहिए। इस्लाम से वो सब चीजों का लेना देना बिल्कुल नहीं है जो कि मीडिया पे दिखाया जाता है, ये समझ आता है। तो लोग खुद इस्लाम के लिए उनका एक फीलिंग, एक प्यार ना जागने लग जाता है कि हाँ यार रियली हम सब एक है, एक जैसे कलर है, हर चीज हमारे बॉडी में एक है, तो बनाने वाला तो एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे लोग जानने लग जाते हैं और बेवजह इस्लाम से जो टेररिस्ट है उनको जोड़ा जाता है, तो ये चीज गलत है। और बहुत अमेजिंग ये स्टोरी था, ऐसे ही सब बहुत से लोग हैं जो आजकल रिवर्ट हो रहे हैं। तो वो पहले विरोध करते हैं, पहले बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, फिर साथ ही साथ एक तरफ इस्लाम में रिसर्च करने भी लग जाते हैं और उन्हें बहुत प्यारा लगने लग जाता है फिर इस्लाम, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो था, आप क्या सोचते हो उस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड लव द गाइस।